केंद्र एवं राज्य सरकार प्रदेश के लगभग 40 लाख परिवारों को शुद्ध एवं साफ पानी के लिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्येक घरों में नल की टोटी लगाई जा रही है। इसी कड़ी में दक्षिण बस्तर के सभी जिलों में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र आते हैं जहां पानी की समस्याओं से लोग रोजाना जूझते रहते हैं। ऐसे में यह योजना इन इलाकों में काफी कारगर साबित हो रही है। वहीं TV24 की टीम सरकार के इस कार्य की ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची तो ग्रामीणों ने सरकार के इस प्रयास को काफी सराहा एवं धन्यवाद भी ज्ञापित किया। सरकार के द्वारा प्रदेश में लगभग 40 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको निर्मल और शुद्ध पानी पिलाने के लिए जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल के कनेक्शन दिया जा रहा है। और मैं आज दंतेवाड़ा जिले के अबूझमाड़ के क्षेत्र में मौजूद हूं, और अबूझमाड़ वो क्षेत्र है जहां पर निर्मल और शुद्ध पानी के लिए ग्रामीण जद्दोजहद करते हमेशा देखते रहे हैं। हमारी कई दफे ऐसी कवरेज भी रही है जिसमें हम इन क्षेत्रों से वो कवरेज दिखाए हैं जहां पर इन क्षेत्रों के ग्रामीण नदी और नालों से निकलते हुए पानी को पीने को मजबूर थे। सरकार जैसे ही सत्ते में बदली, केंद्र में जैसे ही मोदी सरकार आई, उन्होंने हर प्रदेश के लिए ये योजना चलाई है। आज मैं पाहुरनार गांव में पहुंचा हूं। यहां पर लगभग 200 ऐसे घर हैं जिनमें नल के कनेक्शन PHE द्वारा लगाया गया है। साथ मुखिया भी यहां पे मौजूद हैं। रामबती जी, कब से ये पानी आपको मिल रहा है? कब से पानी पी रहे हैं साफ वाला? एक साल होने जा रहा है सर। पहले कहाँ का पानी? पहले नंदी का पानी पीते थे, सुआ का पानी पीते थे सर, बहुत हम लोगों को दिक्कत होते थे। अभी हम लोगों के घर घर नल जल आ गया, हम लोगों को सुविधा मिलते जा रहा है सर। अच्छी सुविधा मिल रही है? हाँ जी सर। अब गांव का विकास बदल रहा है? हाँ, अभी गांव का विकास भी बदलते जा रहा है, वह गांव का विकास भी बहुत अच्छे बढ़ रहा है। और भी कुछ महिलाएं हैं, आपके गांव में अच्छा पानी मिल रहा है, कैसा लग रहा है सरकार? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। गांव के लोग भी सुधर गए, वातावरण बदल गया, सब हो गया। इस गांव में मैं गांव के कार्य करता हूं। बहुत अच्छा पावदार गांव ने पानी का, बहुत साफ पानी पी रहे हैं, शुद्ध पानी, बहुत परिवर्तन हो रहा है सर। आपके घर में पानी आता है? जी सर। कैसा पानी? शुद्ध पानी आता है सर। शुद्ध आता है। पहले कहाँ से जाते थे पानी? नदी से सर। कैसा पानी पीते थे वहाँ? नदी का पानी कुआं खोद के लाना पड़ता था सर। तो वो तकलीफ दूर हो गई? जी, अभी तकलीफ दूर हो गई है। अब लोग को घर में नल आया है, अब हम लोग कभी भी भर सकते हैं, या रात को भर सकते हैं, सुबह भर सकते हैं। पहले तो नहीं, जब चाहे जाना है नदी में, कुआं खोदना है, लाना है, दिन भर लाना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं है सर, सुबह से शाम तक पानी के लिए आप लोग तरसते थे? जी, एक जन खाली पानी ही लाने में लगे जी। ग्राम पंचायत के सचिव जी हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्या व्यवस्था यहाँ पे आप लोगों ने की है, कितने ऐसे घर हैं जिनमें आप लोग ये शुद्ध पानी पिला रहे हैं। सर, यहाँ ग्राम पंचायत पाहुरनार में 200 के लगभग घर हैं, उसमें सभी जगह नल कनेक्शन लगा हुआ है, शुद्ध पानी आ रहा है और सभी को अच्छे से पानी मिल रहा है। और जैसे पहले कई जगह चूहा वगैरह, वो व्यवस्था अब तो नहीं है ना? कुआं वगैरह है सर, लेकिन पानी नहीं पी रहे वहाँ से, यहीं के जी नल जल वाला ही पी रहे हैं। PHE डिपार्टमेंट के यहाँ पे ई मौजूद हैं, उनसे भी हम समझते हैं कि जिले में कितनी ये योजनाएं कौन कौन सी ग्राम पंचायतों में चल रही है, कितने सर घर जो है आप लोग टारगेट पूरा कर लिए हैं? अभी हम लोग के यहाँ पूरे दंतेवाड़ा जिले के 225 गांव के लिए 50,756 घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य है, जिसमें हम लोग 39,000 पूर्ण कर चुके हैं। और अभी हम लोग 14 गांव का जो है हर घर जल करा चुके हैं, जिसमें सभी घरों में नल से पानी प्राप्त हो रहा है। और ये पाहुरनार जो कि हमारे लिए भी उपलब्धि है कि जो नदी की इस पार जो बोलते थे, जहाँ पे अबूझमाड़ इलाका है, जहाँ पे पानी एक समस्या थी जो अभी ग्रामीणों ने बताया, उसको भी हम लोग ये चाह रहे हैं कि सभी जो दंतेवाड़ा के सभी गांव हैं उनमें सभी जगह हर घर जल में नल पहुंच जाए, जिसका मार्च तक करने की कोशिश करेंगे। तो सर, ये जो गांव है, बहुत ऐसे संवेदनशील गांव है, तो उन गांव में क्या स्थिति, वहां भी पहुंच चुका है क्या? अभी सभी जगह काम चल रहे हैं और इसको दिसंबर तक हम लोग करने का
राज्य शासन से निर्देश मिले हैं जिसको जल्द ही हम कंप्लीट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और लगातार काम कर रहे हैं जिससे हम लोग दिसंबर में ही अचीव कर पाएंगे इसको। अबूझमाड़ के इस इलाके में सरकार के द्वारा इस तरह की अगर व्यवस्था की जा रही है तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है जब ये क्षेत्र नक्सलवाद की जो काली चादर है उससे ये दूर होते नजर आएंगे और ये इलाके आने वाले समय में खुशहाल और अच्छी जिंदगी जीने के लिए भी जाने जाएंगे। धीरेन्द्र तिवारी अबूझमाड़ से TV24।